स्मृति के रूप में। एक शिष्य ने माँ से पूछा, शिष्य कहता है भगवान का दर्शन कैसे होता है? माँ कहती है केवल उनकी कृपा से होता है, फिर भी ध्यान जप सब करना चाहिए जिससे मन की अपवित्रता दूर हो जाए और आप निर्मल बन जाए, और निर्मल होते ही भगवान आपके हृदय को अपना बैठक खाना बना लेंगे। फिर से पढ़िए। प्रश्न था भगवान का दर्शन कैसे होता है? माँ कह रही है केवल उनकी कृपा से होता है, फिर भी ध्यान जप सब करना चाहिए जिससे मन की अपवित्रता दूर हो जाए। पूजा जप ध्यान यह सब करना चाहिए, जैसे फूल के हिलाने डुलाने से सुगंध का अनुभव होता है, चंदन के घिसने से सुगंध निकलती है, उसी प्रकार भगवत तत्व चिंतन करते रहने से तत्व ज्ञान का उदय होता है। यदि वासना शून्य हो सको तो वह ईश्वर दर्शन इसी क्षण हो जाएगा। वासनाएं ईश्वर दर्शन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधक है, और इसीलिए मां ने ये संदेश दिया है कि वासना शून्य होते ही आपको ईश्वर दर्शन होंगे, शुद्ध स्वरूप भगवान नहीं मिलते। मुझे स्मरण है ठाकुर के पास गए और जाते ही कहते हैं मोशाय, मैंने सुना है आपने ईश्वर दर्शन किया है, मुझे करवा दो ना। कुछ करना नहीं, कुछ धरना नहीं, फोकट में ईश्वर दर्शन जैसी चीज वो प्राप्त करना चाहता है। माँ कह रही है उसके उत्तर के रूप में कि भैया कठोर तपस्या करने से मन शुद्ध होता है, बिना साधना के शुद्ध स्वरूप भगवान कभी नहीं। स्पिरिचुअल लाइफ दैट आवर जर्नी टुवर्ड्स प्रैक्टिसिंग सेल्फलेसनेस स्टार्ट्स बाय इमुलेटिंग द मदर इन ए हाउसहोल्ड। माँ की शक्ति के रूप में अगर हम अपने ही घर में पूजा करते हैं, श्रद्धा करते हैं, तो उससे बढ़िया ईश्वर भक्ति नहीं हो सकती। श्री रामकृष्ण कॉन्सर्ट शारदा देवी वाज एन एपिटोम ऑफ यूनिवर्सल लव। माँ शारदा वास्तव में एक दिव्य प्रेम की मूर्ति थी, जो भी तो उसको भी उन्होंने मुक्ति दी। ए वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज शी लेफ्ट अस विद इज इफ यू वांट पीस